नमस्ते, आज मैं आपको कुछ अपने ग्लोनिमा दिखाने वाली हूँ जिन्हें मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। इन्हें मैंने हॉर्टिकल्चर किंग से ख़रीदे हैं जो कि कलकत्ता की कंपनी है, और इसे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। देखिए कैसे पौधे निकलते हैं। पौधे तो यहाँ भी नर्सरी में ग्लोनिमा के मिल जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर कलर जो होते हैं जो कि हमारी नर्सरी में अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन इन्हें मंगवाए हैं। इन्हें बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है, पौधे डैमेज नहीं हो। ये शाम के वक्त डिलीवरी आई, तो मुझे अभी रात में इसकी वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर रात भर मैं इसे पैकेट में छोड़ देती तो ये पौधे और भी ख़राब होते। दो तीन दिन तो इन्हें लग गए होंगे यहाँ पहुँचने में। इसलिए मैंने आज रात में ही डिसीज़न लिया इन्हें खोलने का। निकालने के बाद मैं इन्हें रात में ही रिपोर्ट भी कर दूंगी। अभी पहले इनकी कंडीशन देख लूं, कैसी कंडीशन है इनकी। पांच पौधे मैंने मंगवाए थे, ग्लोनिमा में तो बहुत ही ज़्यादा कलर आते हैं। मेरे पास पहले से भी कुछ ग्लोनिमा है और ये मैंने अभी आज मंगवाए हैं ऑनलाइन। देखते हैं इनकी कंडीशन कैसी है। पैकिंग तो उन्होंने अच्छे से करके हॉर्टिकल्चर किंग ने भेजे हैं। सारे पेपर में कवर किए हुए हैं ताकि इनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। ये ग्लोनिमा काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया था। कंडीशन इनकी काफ़ी अच्छी है, लग नहीं रहा है कि ये दो तीन दिन का सफ़र तय करके आए हैं। बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और एक ये
भी अच्छी कंडीशन में है। इसमें एक दो पत्ते सूखे हुए हैं, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएंगे। दो पत्ते सही हैं, दो पत्ते सूखे हैं। मैं इनकी केयर अच्छे से करूंगी तो फिर यहाँ नए नए पत्ते अच्छे निकल आएंगे। ये भी अच्छी कंडीशन है इनकी भी, और इसमें एक फ्लावर भी आया हुआ है। ये तीन एग्लोनीमा हो गए, पांच हो गए, एक्चुअली पांच हो गए, तीन बड़े बड़े साइज के हैं, दो छोटे साइज के हैं। ये मुझे 350 में तीन मिले और दो 400 के मिले हैं। देखने के बाद तो ये अभी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन्हें जल्दी आज ही रिपोर्ट कर दूंगी। तो दोस्तों, मेरा ये प्लांट हेल्दी है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। नमस्ते।